नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कपूरथला मॉडर्न जेल में कैदियों को प्रतिबंधित सामान और मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के मकसद से जेल बेरको में विशेष सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 23 ग्राम नशीला पदार्थ, 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड मिले। सर्च ऑपरेशन के दौरान सहायक सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल हदीम और सुरेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर थाना कोतवाली में 4 कैदियों के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जेल बेरको में विशेष ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 23 ग्राम नशीला पदार्थ, 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड मिले। और सर्च ऑपरेशन के दौरान सहायक सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल हदीम और सुरेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर थाना कोतवाली में 4 कैदियों के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की बता दें आपको। मंत्री हरपाल चीमा ने उठाए कड़े कदम, टैक्स नहीं भरने वालों पर होगी कार्रवाई, 50 लोगों के खिलाफ भेजा नोटिस, टैक्स चोरी के खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां मंत्री हरपाल चीमा ने कड़े कदम उठाए हैं, टैक्स नहीं भरने वालों पर कार्रवाई होगी, 50 लोगों के खिलाफ भेजा नोटिस, टैक्स चोरी के खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। मंत्री हरपाल चीमा ने उठाए कड़े कदम, टैक्स नहीं भरने वालों पर होगी कार्रवाई, 50 लोगों के खिलाफ भेजा जाएगा नोटिस, टैक्स चोरी के खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। मंत्री हरपाल चीमा ने उठाए कड़े कदम, टैक्स नहीं भरने वालों पर होगी कार्रवाई, 50 लोगों के खिलाफ भेजा नोटिस। दीनानगर के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय प्राइमरी स्कूलों के खेल उद्घाटन का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी लखविंदर सेखो ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आपके जिला प्रधान शहरी व हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह शामिल हुए, जिसके बाद शुरू हुई खेलों में विभिन्न सेंटरों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल भावना का प्रदर्शन किया। वहीं विजेता खिलाड़ियों को इनाम भी वितरित किए गए। बता दें कि गुरदासपुर में खेल भावना का परिचय दिया गया है और दीनानगर के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय प्राइमरी स्कूलों के खेल उद्घाटन का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी लखविंदर सेखो ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आपके जिला प्रधान शहरी व हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह शामिल हुए, जिसके बाद शुरू हुई खेलों में विभिन्न सेंटरों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल भावना का प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को इनाम भी वितरित किए गए। जिहड़ियां इत्थे खेडां हो रही हैं ना, ये प्राइमरी स्कूलां दीआं 45वीं खेडां ने और खेडां मतलब पंजाब दीआं पंजाब सरकार वल्लों अलग शुरू कीती गई ने। ये जिहड़ियां साडियां रूटीन दीआं खेडां ने स्कूलां दीआं ना, वह ये खेडां ने। और इन्हां खेडां दे विच्चों भी जिहड़े बच्चे पहलां कलस्टर लैवल ते खेडां होईआं ने, उस तों बच्चे जिहड़े फर्स्ट सैकंड आए ने, उहनां नूं बच्चिआं नूं इस ब्लॉक लैवल ते लै के आउंदा। और अज ब्लॉक लैवल दीआं खेडां इत्थे करवाईआं जा रहीआं ने,
जेड़े बच्चे इतों फर्स्ट सैकेंड थर्ड आएंगे उन्होंने जिले के भेजा जाएगा ता जो उत्थे जिले लैवल के कंपीटिशन बच्चे भाग। पठानकोट के सैली रोड पर दो गुटों के बीच गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। मामला दशहरे की रात का है जहां किसी बात को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और गाड़ी पार्क करने को लेकर कहासुनी के बीच लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी। एक को कंधे में और एक को पेट में चोट आई है और दोनों इलाज के लिए पठानकोट के एक निजी अस्पताल में दोनों को भेजा गया जहां डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर बताते हुए लुधियाना रेफर कर दिया। वहीं पुलिस की जानकारी देते हुए बताया कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद एक युवक ने लाइसेंस पिस्टल से गोली चला दी। गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है। कल आपां नूं बाद दशहरे एक इन्फॉर्मेशन मिली सी तकरीबन 9 बजे दे लागे कि जिहड़ा सैली रोड है इत्थे कुछ फायरिंग दा इंसीडेंट होया ते फिर आपां मौके ते पहुंचे सी जिथे आपां नूं वेरीफाई करन ते पता लगा कि दो जिहड़े धिर आ उहनां ते आपस च किसी गल नूं लै के बहस हुई। उहदे बाद एक धिर ने जिहड़ी आ उह दूसरे धिर ते गोली चला दी जिस दे विच दो बंदे इंजर्ड होए सी। प्रेजेंटली ये बंदे जिहड़े आ उह सेफ ने ते अंडर ट्रीटमेंट है अमनदीप हॉस्पिटल च ते एक नूं अगे DMC रैफर किया गया जी। ते जिहड़ा इहदा रीजन सी इह सी कि वी जिहड़ी एक धिर है उहदी उत्थे एक दुकान सी जिहड़ी दूसरी धिर आ उत्थे लागे प्लॉट च पेशाब कर रही सी ते उन्होंने ऑब्जैक्शन की कि वी इस तरह ना करो। उहदे बाद इहनां दी आपस च थू थू मैं मैं हो गई जिहदे बाद फिर एक धिर ने दूसरी धिर ते जिहड़ी गोली चला दी। पंजाब में स्मृग औद्योगिक विकास और व्यवसाय विकास को बढ़ावा देते हुए भगवंत मान सरकार ने 26 क्षेत्रों के लिए औद्योगिक सलाहकार आयोग के आधिकारिक अधिसूचना जारी की। प्रत्येक आयोग के नेतृत्व में संबंधित क्षेत्रों के एक प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उनका पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। गुरदासपुर पुलिस ने अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित शुगर मिल पनियाड के पास कार सवार दो आरोपियों को भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग्स मनी के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी जम्मू निवासी आरोपी को हेरोइन बेचने के बाद लौट रहे थे और बता दें कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों को धर दबोचा। SSP गुरदासपुर हरीश कुमार दायमा ने बताया कि SI सुरजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे और इस दौरान शुगर मिल पनियाड के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। वहीं आरोपियों को गाड़ी से उतार कर जांच की गई तो कार के डैशबोर्ड में छिपाकर रखे गए लिफाफे में से 520 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। कार की पिछली सीट पर पड़े लिफाफे में 14,38,550 रुपए की ड्रग्स मनी बरामद की गई। गुरदासपुर पुलिस वालों नशे विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत गुरदासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता मिली है। इन जिहड़े DSP दीनानगर हैगे उन्हां दी अगवाई हेठ एक नाकाबंदी की गई सी जिथे नाके ते दो शक्की बंदे जिहड़े है उन्हां नूं रोकिया गया सी। उन्हां दी गड्डी की तलाशी ली गई सी तो उन्हां दे कोलों करीब 500 ग्राम 20 मिलीग्राम जो है हेरोइन रिकवर हुई है 520 ग्राम सॉरी हेरोइन रिकवर हुई है ते 14,38,000 ड्रग मनी भी रिकवर होया। ये दो जड़े व्यक्ति हैगे इन्हां दा एक दा नाम हैगा प्रगट सिंह उर्फ पग्गा जो कि तरन तारण दा रहन वाला है। दूजा व्यक्ति हैगा राजवीर सिंह उर्फ मोटा ये भी अमृतसर दा रहन वाला है। ये दोनों जम्मू कश्मीर तो वापस आ रहे सी। इन्होंने पठानकोट विखे किसी तीजे बंदे नू हेरोइन जिहड़ी है वो बेच कर ते वो दा ड्रग मनी अपने नाल लेके वापस आ रहे सी। होशियारपुर में 24 अक्टूबर को दशहरे मेले में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसी बीच मेला देखने आए कुछ बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और लापता हो गए। होशियारपुर पुलिस के PCR प्रभारी सुभाष भगत ने ढूंढकर उनके माता पिता को उन्हें सौंप दिया और
जिसके बाद माता पिता की जान में जान आई। सुभाष भगत ने कहा कि दशहरा मेले के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों से अलग अलग परिस्थिति में बच्चे मिले। लापता बच्चे होशियारपुर शहर और आसपास के इलाकों के थे। लखां की गिनती नाल जिहड़े लोग इकट्ठे हुए सीगे, इस दौरान जिहड़े बच्चे सीगे, एक बच्चा रहीमपुर दा सीगा, उह अपने पेरेंट्स नूं बिना दस्से ही मेला देखण आ गया। जदकि उहदे पेरेंट्स गलियां दे विच आण गुआंढ लभदे रहे, उह बच्चा मिलिया नहीं। शाम दे टाइम साडी जिहड़ी 9 नंबर बीट है PCR दी टीम, ASI रकेश कुमार ते ASI सतपाल ने उह बच्चे नूं रोंदिआं देखिआ ते जिहनां नूं बच्चे नूं मेरे नाल गल कीती, मैं कि बच्चा तुसीं मेरे कोल लैओ मेले 'च। उह बच्चा रहिण वाला रहीमपुर दा सीगा, उहनूं साडी टीम ने उहदे घर पहुँचाया। उस तों बाद एक बच्चा सी, जद आपां मेले विच टहल रहे सीगे, एक बच्चा जिथे गऊशाला है उहदी बैक साइड ते उह बच्चा खड़ा रो रहा सीगा। मैं एकदम उस गड्डी 'च उतर के बच्चे नूं पुछिया कि तुसीं रो रहे हो, की कारण है? उहने दस्सिया कि अंकल मैं अपने पेरेंट्स तों विछड़ गया, जिहनूं आपां उस वेले लै के दशहरा कमेटी कोल गए हां, अनाउंसमेंट कीती, उहदे पेरेंट्स आए आ, उस बच्चे नूं उहदी मदर दे हवाले कीता। गांव डल की पंचायती जमीन से 1 किलो 448 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके संबंध में 21C NDPS एक्ट के तहत खालड़ा के अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पाकिस्तान लगातार कोशिशां करता आ रहा कि बॉर्डर राही पंजाब दे विच ते इंडिया दे विच नशे भेज के नौजवानों की जिंदगी नूं खराब कर सके, परंतु मैं दसना चाहवांगा कि BSF ते पंजाब पुलिस बॉर्डर ते पूरी तरह सतर्क है। सानू अज भी इसे लड़ी तहत एक कामयाबी हासिल हुई। BPO पोस्ट धर्मा की बुरजी नंबर 137/21 के नज़दीक सानू एक वड्डी बोतल ते एक छोटी बोतल मिली, जिन्हों चैक करने दे विच हीरोइन बरामद हुई। वेट करन ते 1 किलो ते 448 ग्राम हुई। ये जिहड़ी हीरोइन आ, ये पंचायतक जमीन हैगी आ पिंड डालदी, जिहड़ी परमजीत सिंह ते दविंदर सिंह उन्हां ने अपनी ठेके दे लई हुई आ। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर सुजानपुर के पास एक तेल के टैंकर में भयानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि टैंकर बिल्कुल खाली था, जिससे कोई जानमान का नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोलिंग पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों के साथ कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। टैंकर के ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास से गुजरते हुए एक वाहन में आग लगने की सूचना दी। वहीं बता दें कि साथ ही जम्मू कश्मीर के कारगिल में खाली कर वापस जालंधर की ओर ये टैंकर जा रहा था। और कहां से आ रहे थे और क्या घटना घटी है? मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं अपना कारगिल खाली करके आ रहा था। रात को सांबा में सोया था, वहां से सुबह चला, अभी जस्ट यहां पे पहुंचा, पीछे बस वाला आ रहा था मेरे, उसने मुझे इशारा किया कि नीचे देख, नीचे देख। मैं नीचे देखने लगा तो आग लगी हुई थी वायर में, तभी नीचे कुछ करते गैस वैस खोलते, इतने में क्या हुआ कि टायरों का आग बढ़ गई। जी कहाँ जा रहे थे? हम अम्बाला अपना जलंधर में जा रहे थे। तो अभी टैंकर खाली है? अभी खाली है, खाली करके आ रहे थे। अच्छा, तो कितनी आग कितने समय लगी रही है? जी कम से कम 20 मिनट रही है, आधा घंटा 20 मिनट। जी कोई जान माल का तो नुकसान? ना ना कुछ नहीं हुआ, टायर जले हैं बस, और कुछ नहीं। असि हाईवे रोड ते हैगे आ, हाईवे पेट्रोलिंग साडी, असि हाईवे रोड ते इत्थे लागे खड़े सा। असि इह पता नहीं ड्राइवर को जां हाफ ब्रेक हैंड ब्रेक हाफ लगी रही आ, और रगड़न करके जकदम अग पै गई इहदे टायरां नूं अग लगी। असि उसे वेले दे कोल आ गए आ, कंट्रोल रूम ते अपने ते फोन करता, अपने SHO साहब नूं करता, फिर फायर ब्रिगेड नूं असि फोन करता, मौके ते फायर ब्रिगेड आ गई जिन्हां ने कंट्रोल कर लिया। इस 8:34 की गल है, नहीं नुकसान कोई नहीं होया, नहीं कोई नुकसान नहीं होया, गड्डी दे सिर्फ टायरां नूं अग लगी है, बाकी कोई नुकसान नहीं। बता दें कि चलते टैंकर में आग लगी है, चलते बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं,
गनीमत रही कि ये टैंकर खाली था, वहीं जिससे कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर सुजानपुर के पास एक तेल के टैंकर में भयानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि टैंकर बिल्कुल खाली था, जिससे कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। पेट्रोलिंग पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल विभाग की ओर से दो गाड़ियों के साथ कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टैंकर के ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास से गुजरते हुए एक वाहन ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं साथ ही जम्मू कश्मीर के कारगिल में खाली कर वापस जालंधर की ओर से ये ट्रक वापस आ रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और ये राहत की बात यह रही कि टैंकर बिल्कुल खाली था। कपूरथला के फगवाड़ा की शुगर मिल, जो कि किसानों का भुगतान न होने के कारण सरकारी आदेशों के चलते बंद है, उनको पुनः खुलवाने के लिए अलग अलग किसान यूनियन की तरफ से कपूरथला के प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में रोष प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मिल चलाने की अपील की गई। किसान नेताओं ने कहा कि पहले तो सरकार किसानों का 42 करोड़ का भुगतान को क्लियर करे, चाहे इसके लिए वो पुराने मालिकों की जब्त की गई जमीन को बेचें या फिर खुद ये भुगतान करें। किसानों के अनुसार अगर मिल ना चली तो किसानों की गन्ने की फसल भी बर्बाद होने का खतरा बन सकता है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सब तो पहला मैं आम किसान का धन्यवाद करता जिन्होंने अज अपनी आवाज को बुलंद किया। सारिया जो आया आखता हाँ, साडा असी अज का यह मिशन यह है कि साढ़े अज तो पहला चार पांच बारी साढ़े किसान यूनियन साडे इलाके के किसान मंग पत्र दे चुके हैं, जिसे सरकार ने एक पल भी गौर नहीं किया। अणगौलिया करके सानू दो चार दिन लेट टालम टोल करके तोड़ते गए। हुण साडी पहली मंग यह है कि साडी जो पुरानी बकाया पहले मालकां दी है जां किसे दी भी आ, वह जिहड़ी राशि आ सानू प्रदान कराई जाए, जिनी भी जल्द तो जल्द हो सकती उन्हां दीआं जमीनां जायदादां सरकार ने अटैच कीतीआं और सरकार बेच के उन्हां नूं जल्द तो जल्द साडे खातिआं विच पवावे और उस तों बाद जिहड़ा साडा हुण गन्ना आ उहनूं उहदी पढ़ाई वास्ते जो भी हल कर सकदी आ चंगे ढंग दे नाल। इदां असीं इह नहीं कहिंदे कि कल्ली मिल नूं इदां कर जां कल्ले किसानां नूं इदां करना, साडी पहलां पेमेंट देण और मिल चलाउण। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचारक कमेटी पंजाब के अध्यक्ष मनजीत सिंह भोमा ने अमृतसर में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के परमजीत सिंह सरना की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनवरी महीने में दिल्ली सिख गुरुद्वारा आगामी चुनाव में कुर्सी पाने के लिए प्रबंध कमेटी के हर तरह के पापड़ बेलने शुरू कर दिए हैं। भोमा ने कहा कि दुनिया जानती है कि दोनों भाइयों का कोई धर्म और इंसान नहीं है और कुर्सी की चौड़ाई के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं बता दें कि उन्होंने केवल चेयरमैन की कुर्सी चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब कल अमृतसर विखे आए सन ते उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपर कई वख वख तरह के इल्जाम लगाए सन। असी इन्हां सारे इल्जामां नूं इन्हां सारे दोषां नूं मूलों मुढ़ों रद्द करते हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि उन्होंने आया राम ते गया राम का जड़ा वा इतिहास दराया वा
ਉਹ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਸੀ। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर ने अमृतसर में भारी जनसमूह के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी जायज मांगे पूरी न होने के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि किसानों की मांगे हमेशा लंबित रही और हम संघर्ष करने को मजबूर हैं और सरकार किसके जिम्मेदार है, क्योंकि किसानों को गेहूं की बुआई करनी है और लेकिन सरकार डीएसपी खाद उपलब्ध नहीं करा रही है और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे के लिए अधिग्रहणित जमीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किसानों को अपना हक मांगने के लिए हर बार संघर्ष करना पड़ता है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखो किसानों तो जिहड़े मुद्दों की गल थां थां ते मुद्दे आ। अज कणक की बिजाई चलन दी आ ते डीएपी खाद सानू मिलनी दी, इह वी साडे वास्ते वड्डा इशू आ। इहदे गां जिहड़ी बासमती की फसल आ उह मंडियां दे विच पई आ ते जिहड़ा इहदे पहलां जिहड़े परले पासे आपां वेखिया जावे ते जिहड़ी सरकारी खरीद आ उह वी बंद पई आ। जिहड़े आपणा हैगे सैलर मालक उह सारे हड़ताल लाते आ। साडे ते मुद्दे ही मुद्दे आ, पर जिहड़े साडे जिले नाल मुद्दे कुझ पुराने मुद्दे संबंधित आ, जिस तरह हाईवे निकल रहा एक्सप्रैस हाईवे जम्मू कटड़ा, वह साडे इधर पिंडां दे विचों दी निकल गया जिहदे विचों लोकां दीआं जमीनां चले गईआं पर उन्हां नूं मुआवजा नहीं मिलिया। पर सरकार नूं पिछले अही दोवां सालां तों जिहड़ा अंदोलन चल रहा, हर वार सानूं जिहड़ा वा टाइम देख ते टाइम पास नीति करदी आ। इस वक्त जथेबंदी ने मीटिंग कीती आ भी जिहड़ी आउण वाला 24 नवंबर वा दिवाली तो बाद जिहड़ा वा, क्योंकि दिवाली नूं वेखदे आ वड्डी पद्धर ते संगत हरिमंदर साहिब आउंदी आ। दिवाली तो बाद 24 नवंबर नूं जिहड़ा वा जथेबंदी ने फैसला कीता वी भारतीय किसान जन एकता सिद्धूपुर जिला अमृतसर समुची टीम ते पूरा जिला पूरे जोर दे नाल जिहड़ा वा इह रेल जिहड़ी आ उह इत्थे जिले दे विच वड़न तों रोकी जाऊगी। इत्थे साडा धरना सी, उह धरने तों बाद आ समाप्ति नूं सारे आगूआं दी, जिला आगूआं दी ते ब्लाक प्रधानां दी मीटिंग होई आ वी जिहड़ा आउण वाला 24 तरीक नूं, आने वाले महीने की 24 तरीक न रे रोको अंदोलन किया जाऊगा। जिहड़ियां साडियां पुरानियां मंगां लै के उन्हां दे संबंध च बहुत पुरानियां मंगां लड़कियां वा, भावें नैशनल हाईवे का मुद्दा होवे, भावें उस नाले का होवे, भावें दो साडे किसान मजदूर एक्सीडेंट च उन्हां दी मौत होई, उन्हां दा मुआवजा लै गए, हजे गड़ी मारे दा मुआवजा नहीं मिलिया। इस करके बहुत जिहड़ियां मंगां साडियां लड़कदियां वा, कुछ पुलिसां नाल संबंध आ, कुछ जनता नाल संबंध आ, कुछ साडे वड्डे जिहड़े इशू आ उह आ। बठिंडा के गांव माइरस खाना में लगे नवरात्रों के मेले में पीपनी बजाने को लेकर हुई तकरार के बाद 12 लोगों ने दो लोगों पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक नौजवान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं जानकारी देते हुए एएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि गांव में दुर्गा माता मंदिर में चल रहे नवरात्रों में पीपनी बजाने को लेकर कुछ नौजवान आपस में उनकी तकरार हो गई और हमले में मनदीप सिंह की मौत हो गई, जबकि रणजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ਆਪਣੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭੋਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਔਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਦਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਦੀਪ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਿਤ, ਸੰਦੀਪ, ਆਕਾਸ਼, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।